वेलकम टू माई चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माई टॉपिक इन्वायरमेंट हाइजीन। आज हम इसके सिलेबस के बारे में टिक करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके बारे में भी मैं आपको टिक करवाऊंगी। और सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन, कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, आप इसे टिक कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा रीड करना है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ। इसमें जो आता है वाटर एंड सोर्स एंड करेक्टरिस्टिक, ये आपको करना है पूरा का पूरा। इसके बाद आता है एयर, इसके बाद आता है वेस्ट और हाउसिंग है, जो हाउसिंग भी जो है हाउसिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वेंटिलेशन कर लीजिएगा और वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकेशन है हाउसिंग में, टाइप है करेक्टरिस्टिक्स और बेसिक और टाउन प्लानिंग ये आपको करनी है। वेंटिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है नॉइज़, नॉइज़ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप टिक कर लीजिए। और इसके बाद तो ऑर्थोपॉड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और प्रमोट इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस जो मैं आपको इसमें जो टिक करवा रखे हैं आप प्लीज़ इसे टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट इन्वायरमेंट हेल्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल इसमें ही रिपीट होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपके पास कॉल के गिल की अगर बुक्स है तो उसमें ही निशान कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास के गिल की ही बुक है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से, ये देखिए मेरे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट ईयर्स की बुक है। और जो इसका जो राइटर है ये देखिए कॉल के गिल के नाम से हैं। अगर ये बुक्स आपके पास है तो प्लीज़ इसी में ही टिक कीजिएगा और इसी में ही मैं आपको जो सिलेबस है इसी में से ही बता रही हूँ। गाइज अगर आपको बुक्स लेनी है तो प्लीज़ इस बुक को लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जितना भी मटेरियल होता है जो हमें क्वेश्चन कई बार कहीं नहीं मिलते हैं जिनके आंसर, तो इस बुक में प्रॉपर तरीके से दे रखा है। और आपको और बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बेस्ट बुक है और बहुत ही अच्छी बुक्स है। और इसमें जो इसकी जो डेफिनेशन है फुल इसमें अच्छे तरीके से दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत इजी है, मैं आपको अंदर से एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए ये अंदर से इस टाइप से आपको वर्ड्स जो हैं उसकी जो मतलब जो इसमें इजी टाइप से देखिए हेल्थ दे प्रिवेंट कॉन्सेप्ट नहीं, कम्युनिटी हेल्थ इज़ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। और देखिए आप बहुत ही अच्छा इसमें दे रखा है, और कई बुक्स में ऐसा है कि पूरी डिटेल नहीं दे रखी है, इस बुक्स में बहुत ही अच्छी डिटेल दे रखी है और अच्छे तरीके से बता रखा है इसमें। अगर आपको ये बुक्स लेनी है तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।